दोस्तों, मैं किशन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजी टूरिज्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बिलासपुर ज़िले के एक बहुत ही खूबसूरत और नए जगह पर लेकर चलूँगा, जिसे अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना कहते हैं। यह भैंसाझार नामक गाँव में स्थित है, जो बिलासपुर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जो अरपा भैंसाझार बैराज है दोस्तों, इसकी नींव सर्वप्रथम 1978 से 1979 में सिंचाई मंत्री मनोहर पांडे द्वारा रखी गई थी, जिसके बाद में यह इसका बजट 600 करोड़ से लगभग 1140 करोड़ तक पहुंच गया और 2016 में इसे मंजूरी मिली, जिसके बाद यह जो परियोजना है इसका आरंभ हुआ। यह जो अरपा भैंसाझार बैराज है दोस्तों, यह अरपा नदी में स्थित है, जो भैंसाझार नामक गांव में है, जो रतनपुर और कोटा के बीच में स्थित है। इस बैराज परियोजना से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं दोस्तों, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में, जैसे कि इससे की लंबाई कितनी है, इसमें कितनी सारी नहरें और यह किस किस गांव में जाकर उन गांवों के किसानों को लाभान्वित करने वाली है, ये सारी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। चाहे तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इस परियोजना का दोस्तों महत्व किसानों के लिए तो है ही, क्योंकि उनकी सिंचाई और पानी की जो समस्या है वो इससे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके अलावा यह एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है दोस्तों। आप इसे डेवलपिंग पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए एक नया जगह हो सकता है जहाँ वह घूमना चाहें। वैसे तो दोस्तों, यहाँ अभी भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, नए साल और अन्य मौक़ों पर भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ और भी ज़्यादा लोग आएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, यह था अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना, जो कि बिलासपुर ज़िले का एक बहुत ही खूबसूरत बैराज है। अगर आप यहाँ पहले आए हैं तो कमेंट पर अपना एक्सपीरियंस लिखिए, साथ ही वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।